आमतौर पर पुरानी ऐतिहासिक वस्तुओं को अपने घर में संजो कर रखना कई लोगों की आदत में शुमार है, लेकिन इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र निवासी जोसेफ डेनियल ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सालों पुरानी एक नायाब पेटी संभाल कर रखी है जिसे वे धरोहर के रूप में अपनी नई पीढ़ी को देना चाहते हैं। यह है बाणगंगा क्षेत्र का कुशवाहा नगर जहाँ रहते हैं जोसेफ डेनियल। इन्हें पुरानी वस्तुओं के संग्रह का बड़ा शौक है। कई बार ये अटाले में से भी बेशकीमती वस्तुएं छांटकर घर ले आते हैं। ऐसी ही एक नायाब वस्तु इन्हें अटाले में मिली है जो पेटी के रूप में है। देखने से पता चलता है कि ये राजा महाराजाओं के जमाने की पेटी है। इस पेटी में नवरत्न जड़े हैं, चाहे हीरा हो, पन्ना हो, नीलम हो, मूंगा हो, डायमंड हो या फिर अन्य कोई रत्न, सभी इस पेटी की शान बने हुए हैं। इस पेटी को देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कम से कम 100 साल पुरानी दुर्लभ वस्तु है जिसे किसी ने बड़े शौक से तैयार कराया है। कहते हैं कि हीरा खान में और कमल कीचड़ में ही मिलता है, और हकीकत बात है कि हर महंगी चीज़ पहले संवारी जाती है, तराशी जाती है, जब वो हीरा अपनी शक्ल लेता है। ये जो पेटी है एक ऐसे कचरे में पड़ी थी जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये पेटी अपने आप में कितनी नायाब है। हीरा भी उसी तरीके से जब खदान में होता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, जब वो तराशा जाता है तो गले की जीनत से लेकर हाथों की शान बन जाता है। इस वक्त मौजूद है हम जोसेफ डेनियल साहब के घर, और हम अब जानना चाहेंगे इस पेटी के बारे में कि इस पेटी की तवारीख क्या है और इन्होंने कहाँ से ख़रीदा और इस पेटी में क्या क्या जड़ा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, कहाँ से लाई है? सबसे पहले तो मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि हमारे पत्रकार जाहिद जी दोपहर न्यूज़ के, जो कि यहाँ पर आए और मुझे इतना बड़ा फ़ख्र बोलने के लिए दिया और इसकी पहचान की कि मैं क्या हूँ, और मैं अपने दिल से यही कहूँगा कि दोपहर न्यूज़ 19 हो सकता है, 21 हो सकता है, पर 20 नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो अच्छाई है, खोजने का तरीका है, वो अलग ढंग का है। बाद मुझे पसंद आई कि बहुत कचरे में, चलो भाई एक चीज़ है, चलो ले लूँ, ये पुरानी है, मैं उसको लेके आ गया, और लेके आने के बाद इसको साफ सुथरा की तो इसकी जो रौनक निकली वो बहुत अच्छी लगी मेरे को, और इसकी सफाई कर कर के मैंने रखी और इसको मैं आपके सामने। इसमें कौन कौन से रत्न जड़े हुए हैं? इसमें माणिक पन्ने, बेल्जियम के कांच वगैरह सब लगे हुए हैं, इसमें अता है पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है इसमें, और अच्छी चीज़ है, और ये इसका जो लकड़ी है वो भी अच्छी किस्म की लकड़ी यूज़ की गई है, और ये बहुत पुरानी है, मेरे अंदाज़ से 100-150 साल पुरानी से कम नहीं होगी। क्या आपने जब ख़रीदी है तो क्या आप इस पेटी को क्या बेचना चाहेंगे? नहीं, मैं बेचने का तो बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे को रखने का शौक़ है और मैं इसको रखी रहूँगा, क्योंकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है इससे ये नसीहत ले कि क्या है कि पुरानी चीज़ों का मोल क्या है और पुराने लोग कैसे हैं। जिस तरीके से मैं पुराना हो गया हूँ, मुझे लोग थोड़ा बहुत लाइक करते हैं, इससे ये लगता है कि चलो पुरानी चीज़ है, लोग लाइक करेंगे आने वाले टाइम में, मैं इसे बेचने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर इसकी अच्छी कीमत मिलती है और ऑफर मिलता है तो क्या अच्छे दाम में इसको बेचेंगे? नहीं, मैं इसको नहीं बेच पाऊँगा, किसी कीमत में नहीं बेच पाऊँगा, ये मैं एक धरोहर के तौर पर मैं रख रहा हूँ, और भी चीज़ें हैं जो कि मैंने रख रखी हैं, वो आने वाली पीढ़ी जो है उसको इस संभालेगी। ये इसका इतिहास क्या बता सकते हैं, किसकी बेटी है, बादशाहों की है, नवाबों की है, किसकी होगी? वैसे लगता तो यही है कि वो पुरानी है और पुराने लोगों की है, हो सकता है किसी ऐसे इंसान की हो जो कि इन चीज़ों का शौकीन हो, वो भी उस ज़माने में, तो मैंने इसी हिसाब से इसको देख कर ली है, और आगे भी अगर कोई ऐसी चीज़ मुझे मिलती है तो मैं उसे लेने में चूकूंगा नहीं, और बेचने के किसी भी हाल में पक्ष में नहीं हूँ। हम तो ये कामना करते हैं कि आप रहें, लंबी उम्र रहे, मगर हर इंसान अमृत पीकर नहीं आता है, तो ये सजोने के लिए आपने आने वाले वक्त में अपने बच्चों के लिए कुछ
हिदायत दी है। हाँ, मैंने कहा है उनको कि ये एक धरोहर है और इसे मैंने संभाल के रखी है, इसको आप लोग अपना संभाल के रखना, अपने बच्चों को दिखाना कि भाई जो वो लोग थे क्या चीज़ पसंद करते थे, क्या चीज़ लाइक करते थे, उन लोगों को इससे एक सबक मिलेगा कि चलो एक पुरानी चीज़, पुरानी धरोहर रखने में कितना मज़ा आता है, कितना दिल को सुकून मिलता है। सिर्फ यही कहूँगा मैं आपसे कि पुरानी चीज़ें और पुरानी वस्तुएं, उनसे जो लगाव में मिलता है इंसान को और जितना सुकून मिलता है, उतना नई चीज़ों में कोई सुकून नहीं मिलता। मेरा नाम जोसेफ डैनियल। मुनव्वर राणा साहब ने एक शेर कहा था कि पुराना सोच कर बेच ना देना मकान को, मुमकिन है सर को छुपाने के काम आए। यकीनन जोसेफ डैनियल साहब का भी यही कहना है कि ये धरोहर है, मैं इसको बेचूंगा नहीं, इसको मैं अपने पास ही रखूंगा और मेरे परिवार के साथ साथ अब ये अपने आप में ये धरोहर अब इन्हीं के पास रहेगी। अब आने वाला वक्त ये तय करेगा कि क्या ये वाकई ही इनके पास रह पाएगी या इनके जीते जी ये संभालेंगे या अच्छा दाम मिलने के बाद बेचेंगे। वादा तो इन्होंने ये किया है कि हम इसको कभी नहीं बेचेंगे, ये वक्त तय करेगा। कैमरामैन धीरज बोरासी के साथ जाहिद खान, दोपहर न्यूज़, इंदौर।